अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान। आई गॉट इन टच विद अली एट ब्यूकॉन फॉर द रेनोवेशन ऑफ आवर हाउस। दिस वॉज ऑफ कोर्स अ प्रोजेक्ट वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। दिस वॉज एन ओल्ड हाउस और जब से ये हमारे पास है इसकी बाहर का फसाद चेंज नहीं हुआ था, अंदर से हम छोटे मोटे चेंजेस करते रहते थे। और क्योंकि छोटे मोटे चेंजेस करते रहते थे वक्तन फवक्तन, तो हमें लगता था दैट द होल हाउस हैज़ काइंड ऑफ यू नो लॉस्ट, डजंट हैव अ कोहेसिव फील टू इट। दैट वॉज वन एस्पेक्ट। द सेकेंड एस्पेक्ट वॉज हम चाहते थे कि ज़रा मॉडर्न लुक आ जाए। तीसरा एस्पेक्ट था कि हमारे ये जो कार पोर्च के ऊपर की छत है ये अलाउड नहीं है कवर करना, लेकिन हम चाहते थे कि इस पर कुछ ऐसा हो जाए कि यूटिलिटी कम से कम बढ़ जाए। दीज वर द थ्री प्रीटी मच की थिंग्स व्हेन वी रीच्ड आउट टू अली, एंड आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। इट्स टेकन इट्स टाइम बिकॉज वी हैड टू गो थ्रू सर्टन अप्रूवल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट द एंड रिजल्ट इज समथिंग दैट वी रियली रियली एडमायर एंड चेरिश। आई फील होम इज समथिंग, आई पर्सनली एम अ वेरी होम पर्सन। आप मुझे किसी भी वक्त कह दें कि बाहर जाना पसंद करेंगी या घर में एंटरटेन करना पसंद करेंगी, आई एम डेफिनेटली चूजिंग फॉर द लैटर। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी दैट द प्लेस स्पीक्स टू मी इन सम वे एंड फॉर्म, and I think what we have now is pretty much that. The entrance of the house is also different now. ये entrance ज़रा पीछे थी और एक normal सी entrance थी। When we thought के इसको आगे लाया जाए, तो मेरे ख्याल में I never enjoyed the idea because I thought बिल्कुल घर के सामने entrance आ जाएगी। What Ali and the team at Beacon had done is that उन्होंने बिल्कुल सामने नहीं बनाया, but they offered us a side entrance door, which is something I really really like. The glasses in front, so अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है दिन के वक्त और रात के वक्त when the lights are on, बाहर से भी बहुत अच्छा लगता है। सो वो जो साइड एंट्रेंस का एलिमेंट है, दैट वॉज कम्प्लीटली देयर आइडिया एंड वी रियली लाइक्ड इट। नीचे के पोर्शन में भी, सो स्टेयरकेस ऑफ कोर्स वाज अनदर एंगल, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने एक स्टेयरकेस था। पहले भी एक सीढ़ी थी, बट ऑफ कोर्स वो कोई इतनी प्लीजिंग टू द आई नहीं थी, क्योंकि घर आप एंटर करें और आपकी कापोच में एक सीढ़ी जा रही है, इट्स नॉट अ वेरी एस्थेटिकली कोई इतना मज़ेदार नहीं लगता था। The staircase that he came up with and the pebbles and the stones at the bottom, I think it's really lifted the way the house looks. Then the terrace ki primarily the flooring and the railing. I wanted a railing because hamara ghar ke samne, you know, ek road hai aur uske baad ek aur ghar hai. So initial idea was ki isko cover kar diya jaye kisi tarike se, badi si railing laga dein taaki wo ek you know, ek sense of privacy rahe. But claustrophobic bhi nahi chahte the. He did change my idea. He came, brought my you know, initial conversation se ab agar dekhen ke what we have now, the railing is much shorter than you know hum jis andaaz mein shuru hue the, but it's still a high railing and it's made in a way that it is not claustrophobic, but it still gives you a sense of privacy. So I enjoy that. So upper ka portion, the terrace and the barbecue area is something we really really like. कंटेनर फील मुझे बड़ी एक्साइट करती थी। आई रिमेंबर व्हेन अली केम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सेड यू नो बस कुछ करके आई नीड अ कंटेनर इन दिस स्पेस, एंड ही ब्रॉट दैट आइडिया टू लाइफ एंड सेड के बिल्कुल हो सकता है। एंड आई थिंक दैट्स आर मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस, बिकॉज एक तो बाहर से इतना मज़ेदार लगता है एंड देन इट्स बिकम अ बारबेक्यू स्पेस। Thanks to COVID, we couldn't host as much barbecue parties as we thought we would, but we've done a couple, and it's such a nice feeling to do it in this space. I think our utilization बहुत मज़ेदार हुई है। लॉन की स्पेस जो आउटडोर लॉन है, आई एम अ वेरी आउटडोर पर्सन। मुझे लगता है कि अगर आपके पास लॉन की फैसिलिटी कराची में है, कोई बाग लॉन सब्ज़ा आपके पास है, यू मस्ट यूटिलाइज इट, क्योंकि हमें वैसे ही इतनी कम हरियाली देखने को मिलती है। सो द लॉन दैट इज़ हेयर इन द ग्राउंड फ्लोर, पूरा लॉन था, पर क्योंकि उसकी घास इतनी अच्छी थी हम उसमें बैठते नहीं थे क्योंकि घास ख़राब हो जाती थी। So we added a deck to this portion. It's still work in progress in the sense ki abhi tak humne us pe koi proper seating nahi ki, but that's the next step. So the deck allows us to sit here in the evenings and just enjoy the Karachi breeze. Overall, our experience with the Beacon has been great. I think my conversation, I was the prime person in the house who would converse with Ali, and
Bichare, I'm sure he got sick of me in the process, but he never said that. Overall, our experience was great. I think the chemistry I had with Ali was very candid, very casual, very frank. So it was great. It was just like talking with a friend. I'd send him numerous messages at times. Okay, अच्छा, you know, इसका क्या करना है, इसका क्या करना? Because once you start developing the house, you realize that oh, we never thought about this, and oh, we never thought about that angle. And you need an architect who's comfortable to interact with you at odd hours. You know, जब electrician काम कर रहा है और एक issue दिमाग में आ गया है. So I think Ali offered that comfort to us, and we're pretty very, very grateful to him for that.